महावीर जयंती के मौके पर अलवर के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत एक शराब के ठेके पर ड्राई डे के दिन हमला कर सो रहे एक कर्मचारी को लहू लोहान कर दिया गया और करीब 2 लाख रुपए की शराब अज्ञात बदमाश लूट कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश की और मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के जमालपुर पंचायत के अंग्रेजी देशी शराब के ठेके पर ताले तोड़कर करीब 2 लाख से अधिक रुपए की शराब अज्ञात चोर लूट कर ले गए। वहीं चौकीदार अजय राम के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर उसके दोनों पैर तोड़कर लहूलुहान स्थिति में छोड़कर भाग निकले। घायल चौकीदार के चिल्लाने पर पास के ही खेत में सिंचाई कर रहे किसान के आने पर उसने सूचना दी। उसके बाद मालाखेड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सेल्समैन वीरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गया। महावीर जयंती के अवकाश होने के कारण ड्राई डे था, इस वजह से ठेकेदार और अन्य कर्मी अपने अपने गांव गए हुए थे। लूट की सूचना पर मालाखेड़ा थाना अधिकारी महेश तिवारी जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इस बाबत मालाखेड़ा थाने में ठेके के सेल्समैन वीरेंद्र सिंह ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसमें बताया गया है कि रात करीब 3 बजे अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें वहां सो रहे कर्मचारी के विरोध करने पर उसे भी घायल कर दिया गया। वहीं मौके पर FSL टीम और डॉग स्क्वाड के मार्फत अपराधियों का सुराग लगाने में पुलिस जुटी है। सर, जैसे डॉग को हमने सुंघाया तो डॉग में एक तो अपराधियों को कुछ आर्टिकल नहीं मिला, एक स्वापी मिली थी, स्वापी को सुंघा के हमने छोड़ा था डॉग को, तो जहाँ जहाँ वो घूमे हैं अपराधी वहाँ वहाँ हमने डॉग को घुमाया था और जहाँ से वो गाड़ी में बैठ के चले गए उसके बाद में डॉग ने नहीं सुना। और सुबह ज़्यादा पब्लिक घूम गई थी और धूप ज़्यादा हो गई थी, पब्लिक घूमने से और ज़्यादा धूप होने से अपराधियों की सेंट नहीं मिली, तो डॉग फिर कम चला और इतना सूंघ के नहीं चला, गाड़ी जहाँ खड़ी थी जहाँ जाके रुक गया।